इसका जीरोस निकालना है, यही दिक्कत हो रहा है ना। तो जीरोस जीरोस निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, एक्स का ऐसा वैल्यू जो इसे जीरो कर दे। तो हम पहले ही इसको जीरो कर देंगे और फिर इसी जीरो के अकॉर्डिंग एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8x² = 0 हो गया। यहाँ पे आप 4 देख रहे हो, कॉमन है आपका, यहाँ पे कॉमन है ना 4। नहीं तो देखो, दो तरीका है इसको बनाने का। पहला तरीका तो ऐसे ही देखो कि इसमें अगर मिसिंग है एक्स वाला टर्म, तो तुम 8x² को ऐसे लिख सकते हो, 4/8, सॉरी सॉरी, 8x² को हम लिख सकते हैं 4 -4 उधर जाएगा तो, और फिर अगले स्टेप में हम 8 को उधर भेज दें तो 4/8 हो जाएगा, यानी कि 4 × 8। तो x² का वैल्यू आ गया 1/2। तो इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा +/1 ऐसे आएगा, स्क्वायर उधर जाता है तो रूट बनता है और प्लस माइनस आ जाता है। तो x का वैल्यू 1 आ जाएगा +1/√2, और 1 आ जाएगा -1/√2, क्योंकि 1 पे रूट, तो वो 1 पे रूट आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, √1 ही आता है, लेकिन 2 पे रूट रह जाएगा। तो दो वैल्यू आया इस तरह से। मेथड 2 क्या है बनाने का, ये सबसे पहले आप देखो कि इसमें 8 कॉमन है, सॉरी 4 कॉमन है, 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा, तो बचेगा 4 × 8, 2x² बचेगा और -1 बचेगा, बराबर 0 कर देते हैं। तो अब 4 को भी उधर भेज दो, तो 2x² - 1 = 0। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का कोशिश करो। तो ये √2x² लिख दो, क्योंकि √2² 2 आ जाएगा और x² आ जाएगा, और 1 को लिख दो -1². तो अब ये a² - b² की तरह वर्क करेगा। तो a+b और a-b लिख सकते हैं। तो ए और बी को पहचानो, तो ए तुम्हारा √2x है, अब बी तुम्हारा 1 है, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर को भूल जाओ। तो ये a+b हो गया, फिर a-b ये हो गया। तो बारी बारी से 0 से इक्वेट करो, तो √2x + 1 को 0 कर सकते हैं और √2x - 1 को 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया -1/√2, और यहाँ से x का वैल्यू आ गया 1/√2। तो फिर से दो वैल्यूज आया, यही x का वैल्यू एक ठो अल्फा कहलाएगा और एक ठो बीटा कहलाएगा। किसी एक को अल्फा बोलोगे तो दूसरा वाला बीटा कहलाएगा। क्या रिलेशनशिप भी चेक कर दें? इसी क्वेश्चन में बोला था ना कि मतलब चेक या वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशियंट्स, वो भी कर दे कि वो हो जाएगा? ओके चलिए, तो और भी कुछ पूछना है पूछ सकते हैं आप।